इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें, और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। जीडीपी का जो अभी चर्चा है, जीडीपी का मैं आईएमएफ की आपको मैं आईएमएफ का पूरा रिकॉर्ड ही बता देता हूँ। ये ज्यादा बता रहा है, एक सेकंड में बता देता। जीडीपी ग्रोथ 2020 में और आईएमएफ की का ये रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, इंडिया 1.9, चाइना 1.2, इंडोनेशिया 0.5, सऊदी अरबिया -2.3, टर्की -5, जापान जैसा विकसित देश -5.2, ब्राजील -5.3, रशिया -5.5, साउथ अफ्रीका -5.8, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका -5.9, कनाडा -6.2, यूके -6.5, ऑस्ट्रेलिया -6.7, जर्मनी -7, फ्रांस -7.2, स्पेन -8, इटली, सोनिया गांधी की इटली -9.1। तो अपने ननिहाल के लिए क्यों नहीं रो रहा जो भारत के लिए रो रहा है, और भारत के लिए उस वक्त ही क्यों रो रहा है जब चाइना में हमारे सैनिकों ने लीड लिया है। इसलिए रोजगार की बात नहीं है, मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर रोजगार के लिए आप शाम के 9 बजे NDTV बकायत पाने का शो देखा करें, यहाँ आपके मतलब का भी चीज मिलेगा नहीं। आज जो जीडीपी की बात जो संदीप जी आपने कहा, राहुल गांधी जीडीपी क्यों आज हुआ, जीडीपी उसका बोलना बड़ा लाजमी है। 2008 में जब कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो है एक समझौता कर लिया, MOU साइन किया, तो MOU कहता है कि कोई पार्टी किस साइन करती है, क्या आप मेरे हित को देखिए, हम आपके हित को देखेंगे, हम आपके आप आपके जो मतलब हम आपको देश की गुप्त सूचनाएं देंगे, आप मुझे राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे दीजिए, बस बिल्कुल। राजीव गांधी फाउंडेशन एक ट्रस्ट था जिसके माध्यम से घूस इनको खाना था, इनको खाया था, और सारे जो आप देखिए उसमें उन्हीं लोगों पैसे इनके पास आए हैं, ये तो दिख रहा है, कितना और गया होगा कुछ पता नहीं है। वो सब वही है जो कि आज की तारीख में जो है दे आर आइदर एब्सकॉन्डर, और जिन जिनके जो जिनपे प्रश्न लगा है, जिनके चरित्र पे, जिनके जिनके कार्यों पे प्रश्न लगा है, वो राजीव गांधी फाउंडेशन के डोनर है। पूरे बंबई का कपड़ा मिल इन वामपंथियों ने नष्ट कर दिया, पूरा बंबई, जितने भी सरकारी हमारे बिहार में जितने जूट मिलते, जितने चीनी मिलते, इन वामपंथियों ने हड़ताल कर करके नष्ट कर दिया। ये रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे पहले आपका जो है 1960 में पहले कलकत्ता बर्बाद किया इन लोगों ने, 70s में उठा के, हमारा जो है कानपुर में तो हम रहे, कानपुर में हमारे सामने देखते देखते जो है मैं वामपंथियों ने काम, एक जमाने में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाता था हमारा कानपुर, कपड़े का बड़ा बोता, सारा खत्म कर दिया, सब भाग गए, सब चले गए। ये जो है दीज आर स्काउंडल्स, ये जो है कि हमारे जो है पैरासाइट सही है कि इस सरकार से पहले मैं किराए में रहता था, इस सरकार ने मुझे खुद का घर दिया है। ये सरकार ने उस सब ने सारी आपको प्लेटफॉर्म दिए, अपॉर्चुनिटी दी है, अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस प्लेटफॉर्म को, उस अपॉर्चुनिटी को कितना अच्छा इनकैश करते हैं। ये आप सरकार आप घर बैठे कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि घर में बैठते ही तो हमने 70 साल में पूरा घर अपना देश को खोखला कर दिया, हम अपने जहन से खोखले हो गए। आज जो है खोखलापन हर आदमी के उसके अंदर है, ये इस सरकार ने आपको जो है ये एहसास कराया है कि आप कर सकते हो, और उसके लिए सुविधा दे रही है, संघर्ष कीजिए, आइए आगे बढ़िए, आपको एक जगह रुकते क्यों है, आप जो है कि 5,000 की नौकरी भी क्यों रुक जाते, मतलब ये मानसिकता कर दी संदीप भाई जी कि यहाँ यूपी में एक सिपाही के सिलेक्शन के लिए, चपरासी के लिए,
लोग अपना दो दो बीघा जमीन बेचकर ढेर सारा घूस देकर जो है चपरासी की नौकरी पसंद करना चाहते, जैसे और डिग्री कहने को एमएससी की डिग्री किए लिए हुए। तो ये तो हमारे पुराने सिस्टम में ये बनाया, एमएससी किया हुआ आदमी जो कि अंग्रेजी एक शब्द नहीं ले सकता, केमिस्ट्री से बात नहीं कर सकता, वो अपने दो बीघा जमीन बेच के जो है 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए के एक सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी लेकर तैयार है। मतलब ये मतलब आपकी कलर ब्लाइंडनेस, मतलब ऐसा आपको जो है कलर ब्लाइंड कर दिया आपको 7 दशकों में कि आप अपने ही अस्तित्व को बेच के अपने को सबसे चौथी पायदान में गुलाम बनने को तैयार है।